कि उत्तराखंड एसटीएफ ने 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए घर में घुसी थी। उसी दौरान दो पुलिस के जवान गश्त कर रही थी, तभी बदमाश भूरा ने पुलिस के जवान पर गोली से हमला कर दिया। एसटीएफ के एसएसपी ने बताया कि यह 7 लोगों का गैंग था, बाकी 6 लोगों को की गिरफ्तारी हरिद्वार पुलिस पूर्व में ही कर चुकी है। एसपी ने बताया है कि अभी तक 46 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। की टीम है ये हमारे एडिशनल एसपी साहब सीओ एसटीएफ के नेतृत्व में लगातार जो बड़े इनामी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। और पिछले लगभग 10 महीने की हम बात करें, नवंबर 2022 से लेकर अभी तक तो 46 इनामियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें कि 1 लाख इनाम वाले भी इनामी हैं, 50,000 के भी इनामी हैं, 25,000 के भी इनामी हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में और बहुत अच्छी कार्यवाही एसटीएफ के द्वारा पिछले लगभग 1 वर्ष में की गई है।